जो बच्चे न्यू ईयर में बहुत ज्यादा पार्टी करते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही होता है, वो घर आके सोते नहीं है फिर। अब जब पेरेंट्स थक चुके हैं बिल्कुल, बच्चों में बहुत एनर्जी आ गई है। ये देखो नूर को, नूर आपका फर्स्ट लेट नाइट हो रहा है इससे। गाइस रात के 1 बज रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हो रहे थे कि कबीर और नूर ने हमें इतने अच्छे से फायरवर्क्स देखने दिया बीच पे। नूर ने इतने अच्छे से मैनेज किया, पर इतना अच्छा मैनेज किया कि नूर की नींद ही उड़ गई है और वो फुल मस्ती के मूड में आ गई है। सौरभ को जा के बुला रही है कि मेरे साथ खेलो, पर अब सौरभ और मेरे में एकदम हिम्मत है नहीं, पर डैडी बीइंग डैडी ही स्टिल नॉट गिविंग अप। पर ये हमारा दूसरा बच्चा था खार के बिल्कुल सो गया है फाइनली। आई जस्ट होप ये पीछे मुड़ के ना बोल दे आई एम स्टिल अवेक, नहीं सोई है। Good morning. Good morning, Noor. Dada, did you eat it? Kya? How many chocolates have I bought you over the years? Tell me. A lot, but how have you eaten? I was feeling very hungry. I ate your chocolate, Kabir. Why is Noor doing prrrr? Is ladki ko pakro, 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 pakro. Gira diya, dekho. Gira diya, humne. Aap kya kar rahe ho, baby? I'm good. Very nice. You do everything on your own, Kabir? क्या करागा वो बताओ? जा रहे हो कल्टी मार रहे हो, हाँ इधर देखो मुझे। बंदे ने दूध गिरा दिया, दूध गिरा के ना भाग गया, दूध गिरा के चुपचाप भाग गया। Thank you, Kabir. Very good job. Okay, come this side. Then. Kabir का night suit भी अच्छा लग रहा है ना वाला। दूसरा दिन पहना है। और इसके सारे colors जो हैं, ये beautiful colors हैं। लाया हूँ मैं कुछ और colors। Sweet bro. Finished it all by yourself. You just gulped it down. Stay healthy. He did not eat anything unhealthy because wow. It's his New Year resolution. What? सो लंच टाइम है हमारा और कबीर बहुत ही बिग बॉय हो गया है। कबीर ने अपने लिए पास्ता मंगाया रेड सॉस में। This is why I need my headphone. क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ इसलिए नहीं। Then? अच्छा when you eat pasta you have to listen to music. साथ में कबीर इस ईयर में उसने बड़ा होने का और इंडिपेंडेंट होने का रेजोल्यूशन लिया है। स्टार्टिंग इज डे 1 जहाँ पे वो इंडिपेंडेंटली अपना खाना खुद खा रहा है और यहाँ पे नूर भी इंडिपेंडेंट हो रखी है। नूर के लिए हमने मंगाया है सेम टेस्ट के लिए बेसिकली मंगाया था पैनकेक, बट ये पैनकेक यहाँ का थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हाँ, मीठा पूरा टाइप है। हाँ, ऑप्शन है पीस पुलाव और दही क्योंकि वो खा लेती है तो देखते हैं पहले ट्राई। तो हम हमेशा इसी तरीके से मंगाते हैं कि दो ऑप्शन हो जाए। हाँ। नूर के लिए मेन ऑप्शन, अगर वो नहीं चले तो बैकअप ऑप्शन, और जो भी बचेगा वो पेरेंट्स खा लेंगे। इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो तुम्हारे बेटे? बहुत क्यूट है वो। व्हाई डू यू हैव अचार? ये भी उसका आंसर चाहिए। उसको चाहिए ही। आई डोंट आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ही लाइक्स टू लर्न हाउ डू यू नीड टू बी ऑन वेकेशन। दैट इज सो ट्रू। कबीर में क्यूरियोसिटी तो बहुत है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कब वो हमें वीडियो देख के पता क्या लगता है, जैसे ये वीडियो हम नेक्स्ट ईयर चलाएंगे हमें क्या लगता है कि तुम बड़े हो गए हो 1 साल और, जैसे हम लास्ट ईयर का वीडियो देख रहे थे उसमें तुम कितने छोटे थे और अभी तुम कितने बड़े हो गए हो। सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ केयर। आई नो काफी लोग जब वेकेशन लेते हैं तो वो सारा स्किन केयर पैक करते हैं, कॉस्मेटिक्स पैक करते हैं, बट वो भूल जाते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो उनके ट्रैवल में काम आएगी वो है लिप बाम्स। बिकॉज लिप्स जो होते हैं वो काफी ड्राई हो जाते हैं और काफी डैमेज हो जाते हैं ड्यूरिंग ट्रैवल एंड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ वेदर। चाहे आप हिल्स चले जाओ या आप बीच आ जाओ, जो वेदर चेंज होता है वो आपके लिप्स पे काफी इफेक्ट करता है। प्लस दिल्ली में जो ठंड पड़ रही है उससे तो आई थिंक हर टाइम पे सब लोग अपनी पॉकेट में लिप बाम रख रहे हैं और हमेशा लगाते रहते हैं बिकॉज इतना ज्यादा ड्राइनेस हो रहा है या क्रैक लिप्स हो रहे हैं। सो मैं एक रेंज रेकमेंड करूंगी जो मैं यूज कर रही हूं काफी टाइम से।
ये है मामा अर्थ की 100% नेचुरल लिप बाम रेंज। ये सारे नरिशिंग लिप बाम्स हैं जो बहुत अमेजिंग मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, आपके लिप्स एकदम से सॉफ्ट और एकदम सपल हो जाते हैं। यू नो नॉट ओनली ड्राइनेस, बट अगर आपके लिप्स में क्रैक आ गया है या ब्लीडिंग हो रही है, यू नो काफी लोगों को हो जाता है, तो उसको भी ये बहुत क्विकली जाके हील करते हैं। मैंने इतना अच्छा रिजल्ट देखा है इनका, तो मैं तो डिफरेंट वेराइटी अपने पास रखती हूँ। ये मेरे पास छोटा वाला है जो मैं अपनी पॉकेट में रख लेती हूँ, जीन्स की जो यू नो एकदम छोटी पॉकेट होती है, कभी मैं पर्स नहीं कैरी करी। सो दिस इज द वन। इस पूरी रेंज के जो लिप बाम्स हैं इसमें विटामिन ई है, तो ये वाला जो है ये है नरिशिंग टिंटेड 100% नेचुरल लिप बाम विथ स्ट्रॉबेरी एंड विटामिन ई। देन ये सौरभ यूज करते हैं, ये उपटन है। ये वाला जो शेड है ये है चेरी टिंटेड, तो ये थोड़ा सा डार्कर कलर है जस्ट इन केस यू लाइक। और ये वाला है रोज टिंटेड जो बिल्कुल लाइट पिंक कलर है, तो जैसे काफी लोगों को पसंद नहीं होता कि लिप बाम का शेड बिल्कुल लाइट होना चाहिए, सो उनके लिए ये है। बहुत इकोनॉमिकल रेंज है, वैल्यू फॉर मनी है, अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है, लॉन्ग आवर्स मॉइस्चराइजेशन मिलता है, तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली कीप। आई नो बहुत लोग होम रेमेडीज प्रेफर करते हैं, जैसे घी लगा लिया, मलाई लगा लिया, बट एवरी टाइम दैट्स नॉट पॉसिबल राइट। प्लस मुझे तो मलाई से बहुत ज्यादा स्मेल आती है। तो ये रेंज आपको मिल जाएगी ममाद की वेबसाइट, ऐप, Amazon, Flipkart, नायका, हर जगह। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अब ममाद के इतने सारे रिटेल स्टोर्स खुल गए हैं, तो अगर आप ऑनलाइन परचेजिंग नहीं करते हो तो ऑफलाइन उनके स्टोर से जाके आप ये ले सकते हो। इनफैक्ट अगर आप उनका कोई स्टोर देखो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, बिकॉज वो धीरे धीरे इतनी जगह एक्सपैंड कर रहे हैं कि इट विल बी गुड टू नो कि कहाँ कहाँ पे स्टोर्स खुल रहे हैं। बट अगर आप वेबसाइट या ऐप से लो तो मेरा कूपन कोड जरूर यूज करिएगा, momcom2022, आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, और थोड़ा उस डिस्काउंट को आप कहीं और स्पेंड कर लीजिएगा, यू नो आपकी भी थोड़ी बजट शॉपिंग हो जाएगी। सो या गाइज, इट इज रियली रियली गुड। मैं तो बीच पे भी जरूर अपना लिप बाम साथ में कैरी करती हूँ, बिकॉज यहाँ की हवा जो है वो काफी ज्यादा एक ड्राइंग सा इफेक्ट दे देती है स्किन को, सो आई रियली कीप इट ऑल द टाइम। और मैंने कबीर को भी आदत डाली हुई है कि आप भी लिप बाम लगाया करो, बिकॉज बच्चों के भी लिप्स बहुत जल्दी क्रैक होते हैं, बट बच्चों का लिप बाम अलग है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। सो यार, जस्ट गो फॉर दिस रेंज, इट इज 100% मेड सेफ सर्टिफाइड। आप रोज भी लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि रोज लिपस्टिक्स मत लगाया करो, बिकॉज इन दी एंड इट्स नॉट 100% नेचुरल, इट्स नॉट गुड फॉर योर लिप्स। थोड़ा सा उनको फ्री छोड़ो, थोड़ा सा ऐसे नरिशिंग चीजें लगाओ ताकि आपके लिप्स भी जो है वो हील कर सके, राइट? सो या विद दैट, लेट मी गो बैक एंड एंजॉय माई वेकेशन। नूर को ये प्लम्बनी का डायपर बैग हमारा इतना पसंद है, उसके साथ बहुत देर तक खेल सकती है, उसकी सारी चेन, पॉकेट, सब कुछ लेके ना बस लगी रहती है। नूरू, हैप्पी न्यू ईयर नूरू। ये पता नहीं नूर ने कहाँ से नया सीख लिया, ये करना बस आजकल यही चलता रहता है। For long hours she'll keep doing this. So guys, today is the 1st of January 2023. Once again, happy new year. हम लोग यहाँ पे बीच पे आए हुए हैं, आज बहुत ही लेट आए, बिकॉज दिन में सब थके हुए थे, तो सब चिल कर रहे थे, बच्चों को भी रात को 2 बजे थे सोते सोते, और नोरा अभी मुझे ब्लॉग नहीं करने देंगे तो मुझे रोकना पड़ेगा। तो मेरे सर वहाँ पीछे है, मस्ती कर रहे हैं, बिकॉज कबीर को बीच से दूर रखना बहुत मुश्किल है। बट शाम के टाइम आज हम आए, और आज इतना विंडी है, इतना विंडी है, उन्होंने ठंडी हवा चल रही है, तो नूर को तो मैंने ये बाथरूम पहना दिया, उसने नीचे अपने स्विम सूट पहना है। तो ये स्विम सूट मैंने डिकैथलॉन से इसके लिए लिया था, बट मुझे लग रहा है इसका नेक्स्ट साइज आता है, ये साइज़ 1 है, बट ये छोटा लग रहा है मुझे, तो साइज़ 2 लेना बेटर होगा। बट या बहुत काम की चीज़ है, अच्छा थिक मटीरियल है इसका, सो दैट मीन्स इट्स गुड। बाकी कबीर का तो हम स्पीडो और डिकैथलॉन के बीच में दोनों से लेते हैं, तो आप वहाँ से फुल सूट ले सकते हो। फुल सूट का ही फायदा होता है कि सन बर्न नहीं होता है बच्चों को, और थोड़ा सा ठंडा भी कम लगता है, पानी इतना ठंडा नहीं लगता, सो दैट्स अ गुड थिंग। बॉन्ड कर रहा है, उसे इंसानी की कोशिश
कोशिश कर रहे हैं, क्या बेटी फैंस निकल रहे हैं। हमें दिस इज जस्ट सो मैजिकल। मेरा ब्याज इतनी फ्लोटिंग हो गई है ना, बाहर का खाना सच में बाहर का खाना होता है, घर का ही होता है। दिस इज क्रेजी। बिल्कुल। बट हाउ आर यू लाइकिंग इट फाइनली? इट्स ऑसम यार, इट्स वेरी नाइस। सौरभ को हमेशा लगता था हम इतने सालों से हर साल गोवा आते हैं, बट हम ये शैक वाला मिस कर देते हैं। कबीर क्या कह रहे हो, होटल नहीं जाना अब? क्यों? ये कंफर्ट। कबीर को इतना मजा आ रहा है, लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, लोग आसपास से निकलते हुए देख रहे हैं। ही इज रियली एंजॉयिंग इट।